जय गुरु। आज का आलोचना है कि हम अपने दोनों हाथ जोड़ के गुरु वंदना करने से कैसे भक्तिभाव वृद्धि पाता है। तो पूज्यवाद श्री बड़ौदा बोल रहे हैं, आम बुक उपरे दुई हाथ जोड़ी गुरु वंदना कले भक्तिभाव वृद्धि पाई थाए। किसी समय आगर ठाकुर बाड़ी फेरी पूज्यपाद श्री बड़ौदा हल घरे बसी था। प्रसंग क्रमे कहले, प्रार्थना समय जिते भक्ति प्रदर्शन करा जाए सेते ही भल, हाथ जोड़ी मुंड मटी लगाई प्रणाम करिया हुए। आउ यही भाव प्रार्थना करिया भितर दे गोटे एक्सरसाइज बा व्यायाम मध्य हुए। ता छड़ा इष्टंकर स्मरण मनन करिवार विषय तो अच्छी, नियमित निष्ठा सह प्रार्थना करिया फलरे आंभे माने समस्ते इष्टानुरागरे अनर्ग्ड होइ जानती। गोटे जगार अलग अलग कर प्रार्थना करिया ठीक नुहे, समस्त मिसी एक संगे एवं सर्वक्षण करिया को हुए। तांकर स्मरण मनन करिया मध्य देई से आम भितर जागी उठंती। तेणु प्रार्थना समय इष्टंग प्रति जिते दूर भक्ति भल पाइबार एक्सप्रेसन बा प्रकाश हुए सेते भल। बुक उपरे दुई हाथ युक्त करी गुरु वंदना कले भक्तिभाव वृद्धि पाए। तेणु भक्तगण यही भाव गुरु वंदना करिथांदे। कुछ समय पहले ठाकुर बाड़ी से वापस आके पूज्यपाद श्री बड़ौदा हल गृह में बैठे हैं। प्रसंग क्रम में बोले है कि प्रार्थना के समय जितना हम भक्ति प्रदर्शन करेंगे उतना ही अच्छा है। हाथ जोड़कर सर को नीचे लगाकर प्रणाम करना होगा और ये करने से एक एक्सरसाइज या व्यायाम भी होता है। उसके साथ साथ इष्ट का भी स्मरण मनन करना ही है और नियमित इसी निष्ठा के साथ प्रार्थना करने से हम लोग इष्टानुरागी हो जाते हैं। एक जगह में अलग अलग होकर प्रार्थना करना ठीक नहीं है। सब लोग मिल के एक साथ और सर्वदा करना होगा। उनका स्मरण मनन करने से वो हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना के समय इष्ट के प्रति जितना भक्तिभाव एक्सप्रेशन करेंगे प्रकाश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दोनों बुकू या छाती के ऊपर हाथ जोड़कर गुरु वंदना करने से भक्तिभाव और वृद्धि होता है। इसलिए भक्तगण ऐसे ही गुरु वंदना करते हैं। इष्ट प्रसंग तृतीय खंड पृष्ठ संख्या 109 से संग्रहित। जय गुरु।